नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं राहुल। रीवा जिले में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी राजेंद्र सिंह ठाकुर और बीएसएफ के इंस्पेक्टर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 35 नए पॉजिटिव केस मेडिकल जांच रिपोर्ट के बाद सामने आए हैं। हम आपको बता दें कि पूरी तरह से छूट दिए जाने के बाद संक्रमण और तेजी से बढ़ने लगा है। रविवार को आई जांच रिपोर्ट में जिले में 35 नए संक्रमित केस पाए गए हैं। सबसे अधिक रीवा शहर में 29 नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से होने वाले मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल में एक सीनियर व एक जूनियर डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बाद भी SGMH में चिकित्सकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। वहीं जिला अस्पताल में भी एक स्टाफ नर्स संक्रमित हो गए हैं। शहर के चोराटा थाना में 4, पॉइंट टोला, अनंतपुर समेत शहर में 29 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें से ज़्यादातर किट से जांच करने वालों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। वहीं जिले में अब तक संक्रमित मरीज की संख्या 920 हो गई है, जबकि 11 मरीज ठीक होकर घर गए हैं। हम आपको बता दें कि वर्तमान में एक्टिव केस 252 हो गए हैं। वहीं संचालनालय स्वास्थ्य सेवा द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला मलेरिया अधिकारी को जिला एवं सेक्टर स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना महामारी तथा वर्षा के कारण उन्नत स्थिति में संक्रमण के फैलने का खतरा है। जिले में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हैजा का प्रकोप हो सकता है। इससे बचाव तथा उपचार के लिए जिला स्तर पर सेक्टर स्तर पर उपचार दल गठित किया गया है। इसी तरह जिले में नगर परिषद बैकुंठपुर में एक युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी जानकारी लगते ही मोहल्ले में हड़कंप मच गया है। फिलहाल युवती के घर को सील कर दिया गया है तथा उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री लेकर संदिग्धों का सैंपल लेने सोमवार को बुलाया गया है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में रायपुर, करचुलियान, मऊगंज में एक एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए तेज खबर 24 में। धन्यवाद।